फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेके जो कि केक बना रहे हैं, चॉकलेट केक बनाना है, जिसके लिए कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, अमूल बटर, 100 ग्राम, 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है, व्हाइट कंपाउंड लिया है 200 ग्राम। एक बाउल में पहले चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी, पीसी हुई चीनी ली है, ये 100 ग्राम ली है मैंने, आधा कप चीनी है ये, और आधा कप ही वाटर ऐड करेंगे इसमें। एक चम्मच बड़ा नींबू का रस ऐड करेंगे इसमें। इसमें एक चम्मच नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। 4 से 5 वेनिला एसेंस डालेंगे इसमें, बूंदे। इसमें वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, और इसमें आप बटर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है, तेल डालना है इसमें 3 चम्मच। इसमें 3 चम्मच ये ऑयल डाल रही हूँ मैं। इनको अच्छे से मिक्स करना है। 1 कप मैदा लिया है, इसको छन्नी से छान लेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स नहीं पड़े अपने केक के अंदर। ये 1 कप मैदा डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ इसमें। 1 स्पून मीठा सोडा डाल रही हूँ मैं इसमें। 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। मैंने इस नाप से कोको पाउडर लिया है, मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपके पास कोको पाउडर नहीं हो तो आप कॉफ़ी पाउडर भी यूज कर सकते हो। ये 2 चम्मच डाल दिया है, अच्छे से इसको ऐसे छान लेंगे जिससे कि केक में कोई लम्स नहीं पड़े। इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला है, अच्छे से मिक्स करना है इसको मिक्सर से। अच्छे से मिक्स हो गया है, और यहाँ चीनी वगैरह भी डाली थी, वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। घर की चीनी मैंने मिक्सी में पीस के रेडी करी थी, जो कि आधा कप चीनी ली थी मैंने, आधा कप पानी लिया था। इसमें दूध ऐड नहीं करना है। अब इसमें ये चीज़ जो वाटर वगैरह था ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सर से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैंने 1 चम्मच और ऑयल डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। इसका बैटर ऐसा बन के रेडी होना चाहिए। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला था मैंने वापस, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स किया था। वाटर वाला भी इसमें डाला था, इसमें चीनी हुई थी। ये अच्छे से तैयार हो गया है, इसको मिक्स किया है। ये ऐसा बैटर रेडी होना चाहिए, केक के मोल्ड में डालने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। ये केक मोल्ड को अच्छे से ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस किया मैंने। अब इसमें मैदे की डस्टिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा मैदा हटा देंगे इसमें से। मैदे की डस्टिंग करके साइड कर दिया, ऊपर से मैदे को अच्छे से डस्टिंग करके एक्स्ट्रा मैदा हटा दिया इसमें से। अब इसमें ये बैटर रेडी हो गया है, इसमें बैटर मोल्ड में डालेंगे। इस केक को कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि मैंने ये नमक डाला है कढ़ाई में। मैं इसको और भी बार यूज कर सकती हूँ केक में डालने के लिए। और ये स्टैंड रख दिया है मैंने इस कढ़ाई में। आप स्टील में नहीं, जर्मन के तपेले में बना सकते हो, कुकर में बना सकते हो, या कोई भी जर्मन की भगोनी बड़ी ले सकते हो। मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, इसमें स्टैंड रखा है, नीचे नमक डाला है। आप बिना नमक के भी बना सकते हो। ये टीन में केक का बैटर डाल दिया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको कढ़ाई में रखेंगे, 30 से 35 मिनट के लिए रखेंगे इसको। अब इसको ढक्कन लगा के ढक देंगे, 30 से 40 मिनट के लिए ढक के रखना है। इसका ढक्कन लगा दिया, इसको ढक के रखना है, इसको ढक के रखना है। ये 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है और 200 ग्राम वाइट कंपाउंड लिया है। अब इसको अच्छे से इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करना है, जैसे डार्क कंपाउंड चॉकलेट के किए, ये वाइट चॉकलेट के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब जो 100 ग्राम चॉकलेट ली थी उसमें से थोड़ी सी चॉकलेट ही इसमें वाइट चॉकलेट में मिक्स करना है। डार्क चॉकलेट इतनी सी लेनी है और वाइट 200 ग्राम पूरी लेनी है। डालना है दोनों को, स्टील के बाउल्स में डालना है, डबल बाउलर करना है, पानी रखना है भगोनी में। ये एक भगोनी में पानी गर्म किया है, ये डबल बाउलर करना है इसके ऊपर ये रखेंगे। नीचे ये इसके अंदर चिपकना नहीं चाहिए पानी, यहाँ टच होना नहीं चाहिए, इतना ही इसको लेना है पानी को। अब इसको अच्छे से
मिक्स करना है चॉकलेट को, इसमें एक ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद 1 चम्मच इसमें बटर डालना है और 2 चम्मच दूध डालना है इसमें। अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये चिपकना नहीं चाहिए, को अच्छे से मिक्स करना है, अंदर चिपकना नहीं चाहिए, इसको हिलाते रहना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे और 1 चम्मच दूध डालेंगे इसमें। 1 चम्मच दूध डाला है मैंने, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसको अलग बाउल्स में निकाल दिया है, डबल बाउलर से खाली करके दूसरे स्टील के बाउल्स में लिया है। अब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए चॉकलेट गनाश बनाने जा रहे हैं। डार्क चॉकलेट ली है, जितनी डार्क चॉकलेट लेंगे उतनी व्हीप क्रीम लेनी है। व्हीप क्रीम मैंने सन सन की जो व्हीप क्रीम आती है वो ली है, वो भी मैंने आधा बाउल सी व्हीप क्रीम ली है। अब इनको डबल बाउलर करेंगे, इसमें डार्क चॉकलेट डाल दी है, व्हीप क्रीम डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे, अमूल बटर लिया है यहाँ पे मैंने, इसको अच्छे से मिक्स करना है, अंदर चिपकना नहीं चाहिए, इसको हिलाते रहना है, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। ये चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो गया है, इसमें बटर डाल दिया है, अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसको बाहर ही ठंडा रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है। अब केक को देखते हैं ये अच्छे से बना के नहीं बना। बीच सेंटर में इसके ट्यूपिक्स लगाएंगे, अब इसको बाहर निकालेंगे, बिल्कुल साफ है ये। इससे पता चलता है केक अच्छे से, इसकी केक की सिकाई हो गई है। अब इसको बाहर निकाल के अच्छे से ठंडा करेंगे, उसका डेकोरेशन भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। अब इसको ऐसे ही चारों तरफ से इसके धीरे धीरे चक्कू लगा के इसको घुमाना है, जिससे कि ये केक साइड में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे, अब इसकी प्लेट उठाएंगे ऊपर से, ये कितना स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है, ये बहुत ही स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है। अब इसको सीधा कर लेंगे, इसको अच्छे से सीधा कर लिया है, ये अच्छा सा फ्लफी केक बन के रेडी हो गया है। अब इसके बीच में से इसको 2 लेयर काटेंगे इसकी। ये 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच चीनी लिया है, अच्छे से इसको ये शुगर सिरप बना के रेडी हुआ है। अब ये केक को काटना मैं आपको बताऊँ, केक को हल्के से चाकू से चारों तरफ से मार्किंग करना है, ऐसे ऐसे धीरे 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 इसको से मार्किंग करना है, और फिर ये धागे से इसको खींच लेना है। मैं आपको बताती हूँ इसका, जहाँ मैंने धीरे 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 इससे मार्किंग की थी वहाँ मैंने धागे को एडजस्ट करके अब मैंने इसमें धागा फंसा लिया है। अब बस अब इसको धागे को खींचेंगे और केक आराम से 2 लेयर में अच्छे से कट के बाहर आ जाएगा। मैं धागे को खींच रही हूँ, धागा बाहर आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा और बाकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं धागा पूरा बाहर आ गया है, ये 2 लेयर में अच्छे से कट गया है। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 लेयर में काट दिया है, दोनों को अलग अलग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, दोनों को अच्छा। अब शुगर सिरप से शुगर सिरप लगाएंगे इसके ऊपर, और फ्रेंड्स इसको शुगर सिरप से कोटिंग करना है इसकी पूरी अच्छे से। इसमें शुगर सिरप लग रहा है, ये 2 चम्मच पानी 2 चम्मच चीनी लिया था मैं, पूरे में अच्छे से कोटिंग करना है इसकी, कहीं भी खाली नहीं रहे इसकी जगह। अब जो अपन ने फ्रिज में रखा था जो वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट किया था दूध और बटर के साथ, उसको फ्रिज में रखा था, अब उसको फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। 15 मिनट हो गए उसको बाहर निकाले, अब इसमें अच्छे से शुगर सिरप से इसको अच्छे से कर दिया, जिससे कि आपका केक अच्छा फ्लफी और सॉफ्ट बने। अब जो फ्रिज में अपन ने व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट का जो बना के फ्रिज में रखा था, अब वो केक के ऊपर लगाएंगे। अब इससे अच्छे से फैलाएंगे इसको अच्छे से फैलाएंगे। ये दूसरी लेयर भी इसके ऊपर रख दी है, अब इसको
अच्छे से कोटिंग कर दिया है, अच्छे से इसको ऐसे किया है। अब ये गनाश भी रेडी हो गया है, गनाश रेडी हो गया है। अब ये इसके ऊपर डालेंगे अच्छे से, इसके फ्लावर वगैरह सब कुछ बनाएंगे। जो चॉकलेट गनाश बनाया था वो इसके ऊपर फैलाया और नाइफ से इसको अच्छे से फैलाया है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, फिर इस पर फ्लावर बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो फ्रिज में रखा था ना उसी से मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर के अच्छे से इसके फ्लावर बनाए हैं और स्प्रिकल डाले हैं और चोको चिप्स डाली है मैंने। ये बहुत ही सुंदर केक बन के रेडी हुआ है। हाय फ्रेंड्स, देखो ये वीडियो, ये चॉकलेट केक बन के बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। इसको ट्राई कीजिए, और बहुत ही फ्लफी केक बना है ये, चॉकलेट केक है ये। इसको बच्चों की बर्थडे पार्टी में, किट्टी पार्टी में, एनिवर्सरी पे बना सकते हो। ये बहुत ही सुंदर केक बन के रेडी हुआ है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें व्हीप क्रीम को फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये बहुत अच्छे से केक बन के रेडी हुआ है। डबल लेयर वाला केक बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।